हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत खास, तो स्वागत है आपका न्यू अपडेट के साथ। दोस्तों अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप CCS यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप डेली अपडेट पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट डेली अपलोड होती है। और चलिए दोस्तों करता हूँ वीडियो शुरू, कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आज की न्यूज़। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने जो बीएड की दी थी उसकी परीक्षा 6 अक्टूबर से शुरू होनी थी, उनके 38 केंद्रों को लेकर बदलाव किया गया है, जो कि विद्यालय की वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। यानी कि आप 30 सितंबर से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। इस बार बीएड की द्वितीय वर्ष है, वो लगभग 30,000 बच्चे परीक्षाएं देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी CCSU से जुड़े लगभग 400 कॉलेज हैं, जिसमें कि बीएड द्वितीय वर्ष के 30,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे, जो कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और उनके एडमिट कार्ड 30 सितंबर से जारी कर दिए जाएंगे विद्यालय की मेन साइट पर, और आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जो 38 केंद्रों में बदलाव किए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर जो चैनल मतलब जो सेंटर बदले गए हैं वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन होने हैं UG में, वो सिर्फ 3 दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया या आप भी ग्रेजुएशन में कोई प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दें। और दूसरी बड़ी खबर है, कैंपस ने 19 कोर्सों में जो प्रमोट किए गए थे उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। CCSU कैंपस में संचालित 19 कोर्सों का प्रोन्नति का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसमें MA अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, उर्दू, राजनीतिक शास्त्र, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर शामिल है। इसके अलावा MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टेटिक्स, गणित, जूलॉजी, टॉक्सोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर एवं MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एटोमोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर एवं MCOM द्वितीय सेमेस्टर CBCS को शामिल है। रविवार को VV की वेबसाइट पर रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज यही बड़ी न्यूज थी जो मैंने आपको बता दी थी। हाँ दोस्तों, जो 38 केंद्रों में बदलाव हुए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक करो और आप वहाँ से पूरी की पूरी जितने भी सेंटर में चेंज हुआ है वहाँ पर उनकी PDF दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ी, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट डेली दे दी जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.